हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर सेशन कंबाइंड 8 and 9 December, इन विच वी विल कवर इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। और फर्स्ट टॉपिक इज डमरू इंस्पायर्ड लैटिस। तो हम जानेंगे कि डमरू इंस्पायर्ड लैटिस क्या है, क्यों न्यूज में आया। IIT कानपुर डेवलप्ड है डमरू और डमरू इंस्पायर्ड लैटिस। IIT कानपुर ने डेवलप किया है डमरू या डमरू इंस्पायर्ड लैटिस को। A lattice is an order array of points describing the arrangement of particles that form a crystal. जो आपका लैटिस होता है वो एक ऑर्डर एरे ऑफ पॉइंट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है अरेंजमेंट किसी भी पार्टिकल को जो कि बनाता है क्रिस्टल। IIT कानपुर है डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वन कैन गेट अ वाइडर वेरिएशन ऑफ प्रोपोगेशन एंड स्टॉप बैंड विद द यूज ऑफ दिस माइक्रो स्ट्रक्चर आवर ग्लास शेप मेटल स्ट्रक्चर इन द लैटिस यूनिट। और IIT कानपुर ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि हमको वाइडर वेरिएशन मिल सकता है प्रोपोगेशन पे और स्टॉप बैंड पे जब अगर हम यूज करिए माइक्रो स्ट्रक्चर आवर ग्लास शेप मेटल स्ट्रक्चर को लैटिस यूनिट पे। दिस मेटल स्ट्रक्चर हैज एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सोनिक वेव एब्जॉर्प्शन विच कुड क्रिएट इनविजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिकल और एकॉस्टिक डोमेन। और ये जो मेटा स्ट्रक्चर है उसका एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सोनिक वेव एब्जॉर्ब कर सकता है ये, जो कि क्या है इनविजिबिलिटी ला देगा ऑब्जेक्ट में ऑप्टिकल और एकॉस्टिक डोमेन में। IIT कानपुर हैज शोन द नेचर ऑफ स्टिफनेस ऑफ वाइब्रेटिंग मीडियम कुड बी अल्टर बाय कंट्रोलिंग द लैटिस माइक्रो स्ट्रक्चर फ्रॉम रेगुलर हनीकॉम टू ऑक्सटेरिक हनीकॉम स्ट्रक्चर। IIT कानपुर ने शो किया कि जो नेचर है स्टिफनेस का वाइब्रेटिंग मीडियम का उसको अल्टर किया जा सकता है अगर हम कंट्रोल कर ले लैटिस के माइक्रो स्ट्रक्चर को। रेगुलर हनीकॉम का ये होता है अगर हम उसको ऑक्सटेरिक हनीकॉम स्ट्रक्चर में कर दे तो। दिस हैज वाइड एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन इन हाई स्पीड ट्रेन स्टील सबमरीन एंड हेलीकॉप्टर रोटर। इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन यूज होगा। तो कैसे कैसे, जैसे आपका हाई स्पीड ट्रेन में, स्टील सबमरीन में, हेलीकॉप्टर रोटर्स पे। दिस वर्क इज स्पॉन्सर्ड बाय स्पार्क प्रोजेक्ट ऑफ MHRD और ये जो वर्क है उसको स्पॉन्सर किया गया है स्पार्क प्रोजेक्ट के अंदर MHRD के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार धाम प्रोजेक्ट। तो हम जानेंगे चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में। द प्रोजेक्ट कम्प्राइज इम्प्रूवमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ 889 किलोमीटर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। ये जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्राइज करता है कि हमको इम्प्रूव करना है साथ साथ डेवलप करना है जो 889 किलोमीटर का लेंथ का नेशनल हाईवे उसको। द प्रोजेक्ट विल कनेक्ट बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड पार्ट ऑफ द रूट लीडिंग टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये जो चार धाम प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट करेगा हमारे बद्रीनाथ धाम को, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और जो रूट में लीडिंग प्लेसेस होंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के। एनवायरमेंटली से पहले दैट द कॉन्ट्रैक्टर डिप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक रोड एट पार्ट ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट आर वायलेटिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन द एप्रोप्रिएट रोड विद टू बी फॉलोड इन माउंटेनियस टेरेन। और एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको भी दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट का रोड बनाने के लिए चारधाम प्रोजेक्ट में, वो वायलेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एप्रोप्रिएट रोड विथ को लेके, जो कि होना चाहिए माउंटेनियस टेरेन पे, क्योंकि पता है आपको माउंटेनियस टेरेन पे रोड विथ अलग होना चाहिए, स्ट्रक्चर सब कुछ वेरी कर जाएगा उस हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रीन चारकोल हैकाथॉन। तो हम जानेंगे ग्रीन चारकोल हैकाथॉन क्या है, किसने लॉन्च किया। तो लॉन्च बाय NVVN NTPC विद्युत व्यापार निगम, अ होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ NTPC लिमिटेड। इसको लॉन्च किया गया है NVVN के द्वारा, NTPC विद्युत व्यापार निगम, जो कि एक पूरी तरीके से ओन सब्सिडरी कंपनी है NTPC लिमिटेड का। इट इज अ टेक्नोलॉजी चैलेंज विथ एन एम टू फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंडक्टेड बाई NVVN इन पार्टनरशिप विद EESL एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। ये एक टेक्नोलॉजी चैलेंज है जिसका एम है कि वो फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करे, कंडक्ट करे NVVN के साथ, और साथ में उसका पार्टनर होगा EESL एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। द पर्पज ऑफ दिस इवेंट इज टू लिवरेज द इनोवेटिव इंडियन माइंड टू ब्रिज द टेक्नोलॉजी गैप विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव टू। जो पर्पज है इवेंट का कि वो लिवरेज करे इनोवेटिव इंडियन माइंड को, ताकि जो टेक्नोलॉजी गैप में है उसको कम से कम किया जा सके। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, क्लीन द एयर बाय एलिमिनेटिंग फार्म फायर प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी आउट ऑफ द एग्रो रेसिड्यू। क्लीन करना है हमको एयर को, एलिमिनेट करते हुए फार्म फायर को प्रोड्यूस करना है रिन्यूएबल एनर्जी जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है उससे। प्रमोट लोकल इंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोट करना है लोकल इंटरप्रेन्योरशिप को। इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर, जो फार्मर्स की इनकम है उसको बढ़ाना है। द अल्टीमेट गोल इज टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द नेशन, और जो मेन गोल है इसका कि किस तरीके से रिड्यूस किया जाए कार्बन फुटप्रिंट को नेशन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन ट्री रिंग्स वेयरिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लड। जो ट्री रिंग्स है जो बताएगा ब्रह्मपुत्र फ्लड के बारे में। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्शन ऑफ फ्लडिंग ऑफ द ब्रह्मपुत्र आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ पास्ट रेनफॉल पैटर्न बट दे रिलाई ऑन डिस्चार्ज गॉट रिकॉर्ड दैट बैक ओनली टू द 1950। जो भी हम
प्रोजेक्शन करते हैं फ्लड के बारे में ब्रह्मपुत्र के, वो बेस्ड होता है हमारे ऑब्जर्वेशन से पास्ट के रेनफॉल पैटर्न पे, और ये जो है डिपेंड करता है डिस्चार्ज पे, गॉज रिकॉर्ड पे, जो कि ज्यादा पुराना नहीं है, 1950 के आसपास का है। सो नाउ द साइंटिस्ट हैव कम अप विद एन इनोवेटिव आइडिया इन विच दे हैव ट्राइड टू एनालाइज फूड बाय रिलेटिंग देम टू ट्री स्टिल। इस कारण साइंटिस्ट जो है वो एक न्यू इनोवेटिव आइडिया लेके आए हैं, जिसमें क्या है वो एनालाइज कर रहे हैं जो फ्लड को ट्री लिंक से रिलेट करके। What does the new study suggest? जो नया स्टडी वो क्या सजेस्ट करता है? The new study is based on examination of tree rings which provide a picture of rainfall pattern going back 7th century. जो न्यू स्टडी है वो बेस्ड है एग्जामिनेशन में ट्री रिंग्स का, जो कि बताता है जो पिक्चर है रेनफॉल पैटर्न का 7th century पहले। द रिंग शो दैट द पोस्ट 1950 पीरियड वॉज एक्चुअली वन ऑफ द ड्राइएस्ट सिंस द 1300। देयर हैव बीन मच बेटर पीरियड इन द पास्ट। और ये जो रिंग है बताता है कि पोस्ट 1950 का जो पीरियड वो एक्चुअली ड्राइएस्ट था सिंस 1300 के बाद, और इसके बेटर पीरियड होते थे पास्ट में। द थ्री रिंग सजेस्ट दैट द रिसेंट डिकेड पार्टिकुलरली फ्रॉम 1950 टू 1980 वर अनयूजुअली ड्राई, देयरफॉर इन जनरल पास्ट कंडीशन वेयर बेटर। जो ट्री रिंग है वो सजेस्ट करता है कि जो अभी हाल फिलहाल का डिकेड है पार्टिकुलरली 1950 से 1980 के आसपास, वो अनयूजुअली ड्राइट है, जबकि क्या था जनरली पास्ट कंडीशन बेटर होता था। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द फ्यूचर विल लाइकली बी बेटर ड्यू टू आवर एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सजेस्ट कर रहा है कि फ्यूचर जो है वो बेटर होगा जो हमारा एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का इस कारण। हाउ ट्री रिंग हेल्प, किस तरीके से ट्री रिंग हेल्प करता है? एज ट्री ग्रो दे इनकॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल कंडीशन दे आर लिविंग इन द एनुअल ग्रोथ रिंग। जैसे जैसे ट्री ग्रो करता है वो बताता है इन्फॉर्मेशन वहां के एनवायरमेंटल कंडीशन का जहां पर वो ट्री ग्रो कर रहा है एनुअल ग्रोथ रिंग के अनुसार। ट्री रिंग ग्रो वाइडर इन ईयर वेयर सॉइल मॉइस्चर इज हाई, ट्री इन द रीजन ग्रो मोर एंड पुट ऑन वाइट रिंग्स इन वेट मॉनसून ईयर। जो ट्री रिंग होता है वो ग्रो करता है वाइडर वैसे एरिया पे जहाँ पे सॉइल का मॉइस्चर हाई है, और ट्री जो होता है सीजन का ग्रो करता है मोर जहाँ पे वाइट रिंग है मतलब की वेट मॉनसून ईयर होगा। कन्वर्सली इन ड्राई मॉनसून ईयर और ड्रॉट दे ग्रो लेस एंड पुट ऑन नैरो रिंग। और इसका कन्वर्स वाइस वर्सा क्या होता है कि जहाँ पे ड्राई मॉनसून ईयर व ड्रॉट होता है वहां पे ये लेस होता है और नैरो रिंग दिखाए जाते हैं। Since some of these trees can live for a long time by taking a small pencil thin tree core from these trees and measuring their rings under a microscope, scientists could learn more about climate condition for the past several centuries. और उसमें से जो ये ट्रीज है वो काफी समय तक रहते हैं, इस कारण क्या है स्मॉल पेंसिल थिन ट्री कोर जो है वो मदद करता है साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोप के मदद से उसको समझने में और बताने में कि जो क्लाइमेट कंडीशन था पास्ट का सेवरल सेंचुरीज में वो कैसा था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। द फाइंडिंग आर ऑब्वियसली रिलेवेंट टू असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू विद दिस फ्लड रिस्क कुड बी कंपाउंडेड बाई प्लान प्रोजेक्ट इन द रीजन। और ये जो फाइंडिंग है ये ऑब्वियसली रिलेवेंट है असम के नॉर्थ ईस्ट के रीजन थे, और ये जो फ्लड रिस्क है उसको हम कंपाउंड कर सकते हैं जो प्लान प्रोजेक्ट है इस रीजन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा XP100 द प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल। ये PIB का न्यूज है तो काफी इंपॉर्टेंट है। XP100 आपका प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज लॉन्च वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल विद ऑक्टेन नंबर 100 इन दी कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है जो वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है ऑक्टेन नंबर 100 के साथ इस कंट्री पे। XP100 हम लोग जानेंगे XP100 के बारे में। इट इज पेट्रोल डेवलप बाय इंडियन ऑयल विद ऑक्टेन नंबर 100। ये पेट्रोल है जिसको की डेवलप किया गया इंडियन ऑयल के द्वारा जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है। डेवलिटी ऑफ XP100 put India in an allied group of countries having access to such high quality oil, it will provide high quality and power to the engine. ये जो availability है XP100 का ये India को allied group of countries में ला देता है जहाँ पे access होगा उतना high quality के oil का, ये provide करता है high quality और power engine को। It will be rolled out in 15 identified cities across the countries in 2 phases. और इसको roll out किया जाएगा 15 identified cities में countries के 2 phases में। वर्ल्ड वाइड 100 ऑक्टेन पेट्रोल हैज ए नीच मार्केट फॉर लग्जरी व्हीकल दैट डिमांड हाई परफॉर्मेंस एंड इज अवेलेबल ओनली इन 6 कंट्री लाइक जर्मनी यूएसए एक्सेट्रा। और जो वर्ल्ड वाइड है 100 ऑक्टेन पेट्रोल उसका एक अलग ही मार्केट है लग्जरी व्हीकल्स के लिए जो कि डिमांड किया जाता है हाई परफॉर्मेंस और अवेलेबल है सिर्फ 6 कंट्री पर जैसे कि जर्मनी यूएसए हो गए। वॉट इज ऑक्टेन नंबरिंग ऑफ पेट्रोल, ऑक्टेन नंबरिंग जो पेट्रोल का ये होता क्या है? ऑक्टेन नंबरिंग ऑल्सो कॉल्ड एंटी नॉक रेटिंग अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ फ्यूल टू रेजिस्ट नॉकिंग व्हेन इग्निटेड इन अ मिक्सर विद एयर इन द सिलेंडर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। जो ऑक्टेन नंबर जिसको कि हम एंटी नॉक रेटिंग भी कहते हैं वो एक मेजर होता है उसके एबिलिटी का फ्यूल का कि वो कैसे रेजिस्ट करेगा नॉकिंग को जब इग्निट किया जाएगा एक मिक्सर के साथ एयर का सिलेंड्रिकल ऑफ एन इंजन कंबशन इंजन पे। अब इंजन नॉक इज ए टैपिंग पिंगिंग साउंड दैट गेट लाउडर एंड मोर ऑब्नॉक्सियस एज वी एक्सेलरेट।
और इंजन नॉक जो होता है टैपिंग पिंगिंग होता है साउंड का, जो कि लाउडर हो जाता है जितना ज्यादा हम ऑब्नॉक्सियस होते हैं एक्सलरेट करते हैं। डॉक्टर नंबर इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन द नॉक इंटेंसिटी ऑफ द फ्यूल विद दैट ऑफ ब्लेंड ऑफ टू रेफरेंस फ्यूल आइसोक्टेन विद रेजिस्टिंग नॉकिंग एंड हेप्टेन विद नॉक रेटली। डॉक्टर नंबर है उसको डिटरमाइन किया जाता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ जो नॉक का इंटेंसिटी ऑफ फ्यूल का जो कि ब्लेंड किया गया दो रेफरेंस फ्यूल के साथ आइसो ऑक्टेन जो कि रेजिस्ट करता है नॉकिंग को और हेप्टेन जो कि नॉक को रेडली करता है। डॉक्टर नंबर इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द आइसो ऑक्टेन हेप्टेन मिक्सर दैट मैचेस द फ्यूल बीइंग टेस्टेड इन ए स्टैंडर्ड टेस्ट इंजन। और ऑक्टेन नंबर है वो परसेंटेज होता है वॉल्यूम का आइसो ऑक्टेन का आइसो ऑक्टेन हेप्टेन मिक्सर पे जो कि मैच करता है फ्यूल को जो कि टेस्ट किया जा रहा है कि स्टैंडर्ड टेस्ट इंजन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर साइट WHIS। हम जानेंगे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर साइट के बारे में। 4 साइट इन इंडिया हैव रिसीव्ड द वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर टैग दिस ईयर। 4 साइट है इंडिया का जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर टैग मिला इस साल का। द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID एनुअली रिकॉग्नाइज इरिगेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस लाइक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो इंटरनेशनल कमीशन है इरिगेशन और ड्रेनेज का वो एनुअली रिकॉग्नाइज करता है इरिगेशन स्ट्रक्चर को इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का, जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया। द रिकॉग्निशन इज एम्ड एट रिकॉग्नाइजिंग एंड ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ इरिगेशन इन सिविलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो रिकॉग्नाइजेशन है इसका एम है कि वो रिकॉग्नाइज करे ट्रेस करे जो हिस्ट्री है और अंडरस्टैंडिंग है हमारा इवोल्यूशन को लेकर इरिगेशन का सिविलाइजेशन पे अक्रॉस द वर्ल्ड। इट ऑल्सो एम्स एट अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी एंड विजडम ऑन सस्टेनेबल इरिगेशन फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर एंड टू प्रिजर्व देम फॉर पोस्टेरिटी। इसका यह भी मकसद है कि समझे जो फिलोसफी है विजडम है सस्टेनेबल इरिगेशन को लेकर इस स्ट्रक्चर की मदद से और प्रिजर्व करे उसको पोस्टेरिटी के लिए। क्रिटेरिया फॉर कंसिडरेशन, क्या क्रिटेरिया है इसके कंसिडरेशन के लिए। मेजर क्रिटेरिया फॉर WHIS इंटेल दैट स्ट्रक्चर शुड बी मोर देन 100 ईयर ओल्ड शुड बी फंक्शनल अचीविंग फूड सिक्योरिटी एंड आर्काइवल वैल्यू। जो मेजर क्रिटेरिया है WHIS इंटेल के लिए कि जो स्ट्रक्चर है वो मोर देन 100 ईयर ओल्ड होना चाहिए, वो फंक्शनल होना चाहिए, साथ साथ वहां पे फूड सिक्योरिटी और आर्काइवल वैल्यू होना चाहिए उसका। इस साइट इज इवेलुएटेड बेस्ड ऑन इट मेरिट फर्स्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर एक साइट को इवेलुएट किया जाता है उसके मेरिट के अनुसार, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। द प्रपोजल इज देन सेंट टू सेंटर एंड द टीम फ्रॉम CWC कैरियर आउट ऑन एन ऑन ग्राउंड सर्वे टू वेरीफाई डिटेल। उसके बाद ये प्रपोजल को भेजा जाता है सेंटर के पास और एक टीम फ्रॉम CWC कैरियर के करते हैं ग्राउंड सर्वे, वेरीफाई करते हैं इस डिटेल्स को। विच आर द इंडियन साइट, कौन कौन सा इंडियन साइट है, तो आपका है कुम्बुम टैंक, कुरनूल कुडप्पा कैनाल, पोरू ममिला टैंक अनंत सागम इन आंध्र प्रदेश और 490 ईयर ओल्ड धमपुर लेक महाराज सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि वो साइट कौन कौन से है, तो कुम्बुम टैंक, कुरनूल कुडप्पा कैनाल, पोरू ममिला टैंक इन आंध्र प्रदेश और आपका एक धमपुर लेक महाराज सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट पे। 2018 में पैदा चेरू टैंक इन कामरेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदरमत एंड निर्मल डिस्ट्रिक्ट दोनों की तेलंगाना में, उसका भी नाम आया था WHIS साइट पे। इधर आपका अभी रिसेंटली 4 आया और इसके पहले आपका 2018 पे 2 आया था, तो आपका अभी वाला आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में और उसके पहले जो 2 साइट था वो आपका तेलंगाना में था। और जो अदर साइट है इसके अलावा, तो जो रेस्ट इंक्लूड टियानबो वियर वो चाइना पे नंबर 1 फॉलोड बाय लॉन्गसोल कैनाल एंशियंट लोअर रिवर इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट, ये भी चाइना पे है। इसके साथ साथ ये इंक्लूड करता है जार्क एंड मून क्वानात बोट ईरान पे है दोनों, टेंगवा पिजन जोशिका कोकुची इरिगेशन सिस्टम ये जापान पे है और गोशियंग ड्यूम्बोरक ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया पे है। अब हम जानेंगे ICID के बारे में। द ICID एस्टेब्लिश इन 1950 इज अ लीडिंग साइंटिफिक टेक्निकल इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो ICID है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1950 पे, एक लीडिंग साइंटिफिक टेक्निकल और इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ प्रोफेशनल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन ड्रेनेज एंड फ्लड मैनेजमेंट। ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क है एक्सपर्ट का अक्रॉस द वर्ल्ड इरिगेशन ड्रेनेज और फ्लड मैनेजमेंट के फील्ड पे। द मेन मिशन इज टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट टू अचीव वाटर सिक्योर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर थ्रू सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। जो मेन मिशन इसका कि प्रमोट करे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट को, ताकि अचीव किया जा सके वाटर सिक्योर वर्ल्ड जो कि फ्री होगा पॉवर्टी से हंगर से एक सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के द्वारा।
ICID mission covers the entire spectrum of agriculture water management practices, ranging from rain-fed agriculture to supplemental irrigation, land drainage, deficit irrigation to full irrigation. जो ICIT मिशन है वो कवर करता है इंटायर स्पेक्ट्रम को एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट का प्रैक्टिसेस को, जो कि रेंज करता है रेनफेड एग्रीकल्चर से सप्लीमेंटल इरिगेशन, लैंड ड्रेनेज, डेफिसिट इरिगेशन से फुल इरिगेशन को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट. तो हम जानेंगे जो स्टेट है ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट का. दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले तो जो आपका स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. द डिकेड 2011 टू 2020 विल बी द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. और जो डिकेड है 2011 से 2020 का वो वार्मेस्ट है रिकॉर्ड पे अभी तक का. ऑल्सो द ईयर 2020 इज सेट टू बी अमंग द थ्री वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड. और जो ईयर है 2020 का वो आपका अमंग द थ्री वार्मेस्ट है रिकॉर्ड पे. द रिकॉर्ड हिट इन 2020 हैज बीन डिस्पाइट ला नीना कंडीशन प्रिवेलिंग इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन. जो रिकॉर्ड हिट है 2020 का उसको ला नीना कंडीशन के बावजूद है जो कि प्रिवेल कर रहा था इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन पे. साइंटिफिक एविडेंस इंडिकेट इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लेड ग्लोबल वार्मिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन. तो साइंटिफिक एविडेंस है वो इंडिकेट करता है जो इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, ये डायरेक्ट रिजल्ट है ह्यूमन लेड ग्लोबल वार्मिंग का और ये इम्पैक्ट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को. After record GHG level of 2019, there has been a slight dip this year due to measures taken by countries to fight the ongoing COVID-19 pandemic. जो रिकॉर्ड था जीएसटी लेवल का ग्रीन हाउस गैस का 2019 में हल्का कम हुआ है क्योंकि बहुत सारा मेजर्स लिया गया था कंट्रीज के द्वारा लड़ने के लिए COVID-19 पैंडेमिक से. इस कारण ग्लोबल सी लेवल राइज वाज सिमिलर टू 2019 वैल्यू एंड द जनरल डिक्रीजिंग ट्रेंड हैज कंटिन्यू. जो ग्लोबल सी लेवल राइज है वो सिमिलर है 2019 के वैल्यू के और जो जनरल डिक्रीजिंग ट्रेंड था वो कंटिन्यू कर रहा है. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड, हैवी रेनफॉल एंड ड्रॉट विच आर एक्सपेंसिव कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्टेड मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जो एक्सट्रीम वेदर का इवेंट है जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, ड्रॉट हो गया, ये एक एक्सपेंसिव कंसिक्वेंस है ग्लोबल वार्मिंग का जो कि इम्पैक्ट कर रहा है बहुत सारे पार्ट में वर्ल्ड का. द रिपोर्ट स्टेट दैट क्लाइमेट इंड्यूस ह्यूमन माइग्रेशन इज वन ऑफ द लिस्ट अंडरस्टूड इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज. और रिपोर्ट बताता है कि जो क्लाइमेट इंड्यूस ह्यूमन माइग्रेशन है ये एक लिस्ट अंडरस्टूड इम्पैक्ट है एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज का. देन हम लोग करेंगे माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल. तो हम जानेंगे माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल के बारे में. बिहार इज होल्डिंग अ फर्स्ट फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम एज पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव टू सेव माइग्रेटरी बर्ड दैट अराइव इन द स्टेट इन लार्ज नंबर एवरी ईयर. बिहार जो है वो होल्ड कर रहा है बर्ड फेस्टिवल पहली बार, एक उसका इनिशिएटिव है ताकि वो सेव कर सके माइग्रेटरी बर्ड को जो कि आता है बिहार स्टेट पर लार्ज नंबर पर हर एक साल. द थ्री डे फेस्टिवल इज बिंग ऑर्गेनाइज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. ये जो 3 दिन का फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया गया है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार का. तो पूछ सकता है बिहार में माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में. द 60 किलोमीटर स्ट्रेट ऑफ बिहार विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बिटवीन सुल्तानगंज एंड कारलगांव हैड लॉन्ग बीन अ हब ऑफ माइग्रेटरी बर्ड. जो 60 किलोमीटर स्ट्रेच है बिहार विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी का जो कि सुल्तानगंज से कारलगांव तक है वो एक हब है माइग्रेटरी बर्ड का. तो पूछा जा सकता है यहाँ पर यह भी कि विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है. रिंगिंग ऑफ बर्ड्स इन्वॉल्व ट्रैपिंग डैम इन नेट्स एंड स्नेयर. जो रिंगिंग ऑफ बर्ड्स है वो इन्वॉल्व करता है टैप डैम करता है उनका नेट्स और स्नेयर पे. सब्सिक्वेंटली दे आर वेटेड एंड डिटेल लॉग बिफोर ए मेटल रिंग इंस्क्राइब विथ ए यूनिक नंबर इट ट्राई टू डियर टिबिया बोन. उसी के बाद उसको वेट किया जाता है, उसका डिटेल को लिखा जाता है, लॉग इन किया जाता है, एक मेटल रिंग इंस्क्राइब किया जाता है जिसमें एक यूनिक नंबर होता है उनके टिबिया बोन पे. दिस हेल्प बर्ड वॉचर एंड प्रोफेशनल कंजर्वेशनिस्ट लॉग इन देयर प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब. ये मदद करता है बर्ड वॉचर और प्रोफेशनल कंजर्वेशनिस्ट को कि लॉग कर सकते हैं अपना प्रेजेंस को पूरे ग्लोब में. आज हम लोगों ने जो जो टॉपिक पढ़ा तो वो बताते. तो सबसे पहले हम लोगों ने डमरू इंस्पायर लैटिस किया था, देन टालधाम प्रोजेक्ट को जाना, फिर हम लोगों ने ग्रीन चारकोल हैकाथॉन देखा, देन इन ट्री रिंग जो वार्निंग होते हैं ब्रह्मपुत्र फ्लड के बारे में ट्री रिंग के द्वारा जो पता लगाया जा सकता है, फिर XP100 ऑक्सीजन जो प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल था उसके बारे में जाना, वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर साइट को देखा, देन हम लोगों ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट देखा और लास्टली हम लोगों ने माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल किसने ऑर्गेनाइज किया और बिहार ने कहाँ पे किया है वो पता किया. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. दिस आर अवर सोशल मीडिया लिंक. फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.